हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो सीरीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने दो वीडियो कर लिया, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में बताने वाला हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जी मेंस एडवांस के प्रिपरेशन में जो भी स्टूडेंट लगे हुए हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए आइए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, समझते हैं। लेट जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई, ओके, बी एन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए हैं कि एक्स प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं इसका, ठीक है, समझते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोग एक्स एक्सिस को यहां पर रियल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? हम लोग इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। वाई को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिक्स। क्या बोलते हैं? एफिक्स। मान लिया पी कोई एक पॉइंट है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एफिक्स बोलेंगे। नोट कर लीजिए। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई। तो ग्राफ पर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मात्र एक्स और वाई लिख के, पॉइंट पी, एक्स और वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के ग्राफ को हम लोग ऑर्गन प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, उसको आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोग इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा? चलिए, अगर ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, इसका मतलब क्लियर है कि हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं तो इस वाले लेंथ को हम लोग वाई बोलेंगे और इस वाले लेंथ को एक्स बोलेंगे। क्लियर है? मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी टू द एक्स एक्सिस, ये वाई है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी टू द वाई एक्सिस, ये एक्स है। इसलिए ये एक्स हो सकता है और ये वाई हो सकता है। क्लियर? सिंपली फिलहाल आप लोग इतना समझे। अभी हम लोग यहां पर क्या करना चाह रहे हैं कि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं। तो इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे देख पाएंगे? ग्राफिकली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पॉइंट पी का एक इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट पी का एक इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि एक और पॉइंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट पी का इमेज है। तो किसके रिस्पेक्ट में इमेज आपको निकालना है? आपको इमेज निकालना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल रहे हैं, तो हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट क्यू है जो इस पॉइंट पी का इमेज है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सही है? तो ये जो पॉइंट पी आपको मिला, यही पॉइंट पी जो है इस पॉइंट पी, सॉरी, यही पॉइंट क्यू जो है इस पॉइंट पी का कॉन्जुगेट है। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू का कॉन्जुगेट है, पॉइंट क्यू पॉइंट पी का कॉन्जुगेट है। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को समझ सकते हैं। तो चलिए आइए यहां पर मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे बोलेंगे। मैंने क्या लिखा? लेट जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉमा द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय। माय डियर स्टूडेंट, इसको डिनोट कैसे करेंगे और इसका डेफिनेशन क्या होगा? डिनोट करने का सिंबल क्या है समझ लीजिए। सॉरी, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बार या कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और एक्स प्लस आई वाई, इसके ऊपर भी एक लाइन खींचेंगे, इसको बार बोलेंगे या कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आई वाई बोलेंगे, है ना। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, उसके आई के साइन को चेंज कर देना होता है। अगर आई पॉजिटिव है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द नेगेटिव। आई अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कुछ ऐसा। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकल गया? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का निकल गया कॉन्जुगेट।
आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओके, कॉन्जुगेट नंबर का, कॉन्जुगेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग भी एक एक करके अभी समझेंगे और देखेंगे, जिससे हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या इलेवेंथ में या एडवांस में कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो अगला कंसेप्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। क्या है जी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और फिर से उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग जेड को एक्स प्लस आई वाई एज्यूम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड को क्या बोलना पड़ेगा? एक्स माइनस आई वाई, सिंपल है, आई के साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। और फिर से अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक्स प्लस आई वाई। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये वन है और ये टू है और दोनों इक्वल है, इसलिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड इटसेल्फ, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो समझिए। दूसरी प्रॉपर्टी, जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा इसका मतलब क्या निकलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अगर जेड को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो आप जेड बार को क्या बोलेंगे? एक्स माइनस आई वाई बोलेंगे। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? जेड प्लस जेड बार, यानी कि एक्स प्लस आई वाई प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, ये और ये कैंसल हो गया, ये बना ट्वाइस ऑफ एक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो x इसका रियल पार्ट है, y इसका इमेजिनरी पार्ट है, सिंपली x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, तो x को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ आ रहा तो फिर भी मुझको कमेंट कीजिए कौन से पॉइंट पर आप समझ नहीं पा रहे। ओके, माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास उचित समय है, पर्याप्त समय है इस वीडियो को देखने का, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर समय की कमी है तो इसको यहीं स्टॉप कीजिए और जब समय मिले उस समय इसको जाके दोबारा देखिए। ओके, तीसरे प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थ्री में क्या है कि जेड माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इसका रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको भी हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे माइनस कर देना, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो इस बार क्या होगा ना कि एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई वाई प्लस आई वाई, यानी क्या? ट्वाइस ऑफ आई वाई, यहां एक आई छूट गया, आई लगा, तो क्या बन गया? टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। चेक करके देखो, इस तरीके से हम लोग इस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तीन प्रॉपर्टी को जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, आप लोग खुद से भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है ना जी, आप खुद से भी इस काम को कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि जेड इज प्योरली रियल। मतलब जेड क्या रियल है, मतलब जेड में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, जेड में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये इसका मतलब हुआ। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फाइव। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को जोड़ने से जीरो आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट के साथ जोड़ने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह क्लियर है कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब क्या है कि सिर्फ उसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि अगर
जेड को हम लोग बोल रहे हैं 0 + 4i, सिंपल है, जीरो क्या है, जीरो इज जीरो, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इसका अगर कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये बनेगा 0 - 4i, अगर आप इसको ऐड कर लीजिए तो ऐड करने से क्या बना 4i - i, ये जीरो आ गया, तो सिंपल है, जेड क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, इसमें क्या नहीं है, रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, ओके, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, शायद प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी, चेक कर लीजिएगा पहले, जेड माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है, तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेंस में, एडवांस में, ओके, इसका प्रूफ देख लेते हैं फिर से एक बार। एक्स अगर, सॉरी, जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड जेड को क्या हो जाना है, एक्स माइनस आई वाई, आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने का है, ओके, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रॉपर्टी में चला है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग एक्स को क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम लोग यहां पर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से, ओके, इस रूट को यहां से हम लोग हटाते हैं, रूट यहां पर यूज नहीं करेंगे, ओके, रूट को हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे। फाइनली 6 प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देख लिया, कुछ और प्रॉपर्टी है, सिंपल है, समझते हैं उसको भी। इन प्रॉपर्टी को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे छोटा मोटा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं, आप लोग प्रॉपर्टी देख के समझ ही पा रहे होंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है और हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन में लूंगा एक, ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं तो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के वो बराबर होता है, यानी कि सम वाला भी देख लिया हम लोगों ने डिफरेंस वाला भी देख लिया, फिर हम लोग प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे और कॉसेंट की तरफ मूव करेंगे, तो प्रोडक्ट में भी आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देने लायक और उसको सीखने और याद करने लायक, तो ये कॉन्जुगेट का साइन दोनों में चलाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। मैंने इसके लिए प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल भी लिया, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन सिंपल, ओके, एक आध क्वेश्चन सिंपल जिससे हम लोग देख पाएंगे कॉन्जुगेट को और क्लियर कर पाएंगे। सिंपल, अगर जेड 4 + 3i है, अगर जेड 4 + 3i है, आपको बोला जाए क्या फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तब क्या कीजिएगा, उस समय आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इस साइन को लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आई के साइन को चेंज कर देना, आई अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, तो यहां पे क्या कर देना है, 4 - 3 है, यस आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, आप बोल दो जेड इक्वल्स आई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको बोला गया कि आप इसका कॉन्जुगेट निकाल, तब आप क्या करेंगे, उस समय सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 0 + i लिख सकते हैं और कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले लीजिए, तो जेड बार क्या हो गया, 0 - i, और सिंपली यू कैन राइट माइनस आई, मतलब आई का कॉन्जुगेट माइनस आई का कॉन्जुगेट आई, 4 + 3i का कॉन्जुगेट 4 - 3i और 4 - 3i का कॉन्जुगेट 4 + 3i। आई होप आप इसने इस वीडियो को एंजॉय किया, आप लोगों ने सब कुछ समझा, एंड तक देखा, एंड तक सब कुछ समझा, फिर भी अगर कोई कमी रह गई
समझने में, तो आप लोग मुझको श्योर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर करूंगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।